और शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि एविडेंस एक्ट में संशोधन करने के लिए लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए हैं। ये तीनों विधेयक अब संसदीय समिति के पास में रिव्यू के लिए भेज दिए गए हैं। ये कानून भारत में अपराधों के अभियोजन प्रक्रिया की नींव है। कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, ये भारतीय दंड संहिता के तहत तय होता है। दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तारी, अन्वेषण और मुकदमा चलाने की विधि लिखी हुई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है कि केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे और सबूत पेश की जिम्मेदारी यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि ये कानून उपनिवेशवाद की विरासत और इन्हें आज के हालात के अनुकूल बनाया जाएगा। राजद्रोह पर कि अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था, मैं इस सदन को कहना चाहता हूं एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली रिपील। यहां लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। राजद्रोह को हम कंप्लीटली रिपील कर रहे हैं मान्यवर। और इस कानून में इसके साथ साथ अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की संप्रभुता एकता को, अखंडता को चैलेंज करना, ये सब को कानून के अंदर किसी न किसी दाएं बाएं तोड़ मरोड़ कर जोड़ते थे। इसका कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था, टेररिज्म की व्याख्या ही नहीं थी। पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार भी है। मान्यवर, जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इस पर ऑर्डर करेगा। कुर्की का ऑर्डर पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे, अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जाए, ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो तीन नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा और न्याय देने की प्रक्रिया में, इन न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है, अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है वहीं होगा। और मैं ये तीनों कानूनों को आगे मैं बताता हूं बड़े ध्यान से, इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये तीन कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, मरुतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा इसकी प्रायोरिटी क्या थी, मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था,
राजद्रोह था, इसके पहले क्या था, खजाने की लूट थी, इसके पहले क्या था, शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध, दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय करकर हम ये कानून लेकर आए हैं।